धर्मा ग्रंथ महिलाओं को कोई अधिकार देना नहीं चाहते, लेकिन हिटलर भी बच नहीं पाया, ऐसा तड़प तड़प के मरा, उससे भी ज्यादा तड़प के मोदी जी मरने वाले हैं एक दिन। मोदी जी ने खुद अपनी औरत नहीं संभाला, महिला सिर्फ उपभोगने की वस्तु समझने वाले इनके धर्मग्रस्त है, मनुस्मृति भी कहती है, ऋग्वेद में भी वही लिखा है। अरे जिन महिलाओं का जन्म से नाकार है, ये सिर्फ सोंग ढकोसला है, बेटी बचा बेटी पढ़ा औरों के चुंगल से छुड़ाया है, ये आए हुए यूरेशियन ब्राह्मणों के चुंगल से भी छुड़ाना हमें आता है। कोई मनुस्मृति नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है, ये देश तुम्हारा नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि मोदी अमित शाह जरा होश में आना, इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद यदि कोई है तो वो है ब्राह्मण हिंदुत्व आतंकवाद इस देश में है। जो डर गया वो मर गया, हमें मालूम है मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनना पड़ता है और हम छीनने वाले हैं। ये जहाँ से खैबर किंडी से आए थे हम वहीं से भगाएंगे, आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते क्योंकि अभी मनुस्मृति नहीं है। देखिए कि समझ में नहीं आता ये जो सरकार चला रहे हैं, जो देश के नागरिकों ने इनको वोट दिया है, इनके हाथ में सत्ता दिया है, तो सत्ता दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। इनका जो मंसूबा है इस देश को हिंदू राष्ट्र साबित करने का 2022 तक के, तो यह भारत है, भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा, कतई हम इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम सब मिलके जैसे इस देश को, इस मातृभूमि को हमने औरों के चुंगल से छुड़ाया है, उसी प्रकार ये आए हुए यूरेशियन ब्राह्मणों के चुंगल से भी छुड़ाना हमें आता है। हमारे एक खून का कतरा कतरा इस भारत के लिए जाएगा, हम इसे कतई हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम इस देश के नागरिक थे, हैं और रहेंगे, हम कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं देंगे कि हम नागरिक है करके। ये कौन होते हैं हमें अपना नागरिकता सबूत करने के लिए पुरावा मांगने वाले, ये कौन है? ये तो बाहर से आए, अगर सबूत नहीं देना है तो ये दे, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, हमारा डीएनए एक है। आज भी हमारे मुस्लिम भाई हम सब मिलके हम यहाँ इस देश में जो भाईचारा बना है उस भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं ये मोदी सरकार, और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह जरा होश में आना। तुम किसे आतंकवादी कहते हो, तुम किसे नक्सलवादी कहते हो? इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद यदि कोई है तो वो है ब्राह्मण और हिंदुत्व आतंकवाद इस देश में है। हिंदुत्व के नाम पर हमारे भाइयों को बांटना चाहते, ये कहते हैं कि बंगाल में, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको वंचित रखा गया है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा पैदा करके यहाँ का भाईचारा खत्म करके अब यहाँ के जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं जो हिंदू अपने आप को कहते हैं तो वो भी अभी जागरूक हो गए हैं, क्योंकि हमारे साथ इस लड़ाई में इस देश का हिंदू भी साथ में है, उनके भी समझ में आ गया है कि ये जो चाहते हैं, अगर इनको इतनी हिंदुओं के लिए इतनी हमदर्दी है तो यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इन 6-7 साल में कितनी नौकरियां दिए हैं, वो तो बेरोजगार, यानी मराठी में कहते हैं घर चला ठेवा उगड़ा और बाहर चला नेसवा लुगड़ा, इस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। तो ये बाहर के हैं, बाहर के लोग कभी भी हमारे देश को अच्छा नहीं रखेंगे, हमेशा ये हमारे देश का भाईचारा और हमारे देश की एकता खंडकता को ये दरार डालना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर, हम ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं, ना बौद्ध हैं, ना ईसाई हैं, हम अगर कोई है तो हम इस देश के मूल निवासी भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय हैं। देखिए क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं, तो वर्ण व्यवस्था में जो बहुसंख्यक समाज है उन्हें पढ़ने लिखने का, यानी चौथा वर्ण जो था शूद्र वर्ण, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और महात्मा ज्योतिराव फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने, फातिमा बी शेख ने शिक्षा का आंदोलन चलाया और शिक्षा का आंदोलन चलाते हुए यहाँ के बहुसंख्यक समाज को शिक्षा मिली है। उसके बाद में इस भारत देश का संविधान लिखने की बारी आई और वह
भारत का भाग्य बनाने की बात परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने की, तो घटना दत्त उन्हें मालूम था, तो घटना से हमें यह मूलभूत तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और शिक्षा से हम लोग पढ़ने लिखने के बाद में हमारे साथ में अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है, इस फर्क को हम जान पाए हैं। और इसलिए जब जब हमारे ऊपर जुल्म होता है, जब जब हमारे ऊपर अन्याय होता है, तो हम जागरूक होते हैं। जेएनयू के जो बच्चे हैं, जेएनयू के बच्चे वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम है कि पढ़े लिखे लोगों का काम क्या है। तो पढ़े लिखे लोगों का काम है जो अनपढ़ गवार है, जो लोग इनके मंसूबे नहीं समझ पाते, तो लिखे पढ़े लोगों ने सब लोगों को बताना है, उन्हें अवेयर करना है, उन्हें जागरूक करना है, और जेएनयू के बच्चे इन सबको जागरूक करने का काम करते हैं, तो ये बात इनको खटकती है, और इसलिए उनको शिक्षा के यानी उनके ऊपर दमन कार्य करके जो अब हम रास्ते पर उतरे हैं, तो कहते उनको ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशन में हमने इस तरीके से कर सकते हैं तो हम रास्ते में भी कर सकते हैं। ये हमें दमन करना चाहते हैं, ये हमें दबाना चाहते हैं, लेकिन हम किसी से डरेंगे नहीं। जो डर गया वो मर गया। हमें मालूम है मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनना पड़ता है, और हम छीनने वाले हैं, हम छीन के लेंगे अपने हक और अधिकार। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ ये जो है ना अभी देश की अर्थव्यवस्था आपको मालूम है आईसीयू में है, देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, और जो 2 करोड़ नौकरियां देना चाहते थे इस देश के युवाओं को बरगलाए और उनका वोटिंग ले लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए, तो इनको ऐसा लगता है जैसे एक रात में इन्होंने नोटबंदी की और हमें रास्ते पर खड़ा कर दिया। हमें ये बताया गया था कि बोले जीएसटी लगाकर हमारे जो छोटे छोटे व्यवसाय थे उन्हें बंद कर दिया गया, हमें सड़कों पर खड़ा कर दिया गया, तो इसी प्रकार इन्हें लगता है आज भी ये हमें सड़कों पर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। ये जहां से खैबर किंडी से आए थे हम वहीं से भगाएंगे। मोदी जी होश में आ जाओ, आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते, क्योंकि अभी मनुस्मृति नहीं है। इस देश में भारत का संविधान है, और संविधान इस देश का धर्म निरपेक्ष संविधान है, सबको जीने का अधिकार देता है, सबको हर चीज का अधिकार देता है। तो संविधान है, कोई मनुस्मृति नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है, यह देश तुम्हारा नहीं है, ये देश में हमारे पुरखों का भी खून बहा है। तो हमें डाइवर्ट करने के लिए ये इन्होंने ये जो लाए हैं, ये डाइवर्ट करने के लिए लाए हैं। कोई ना कोई लाके खड़ा कर देते हैं, कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं मुस्लिम खतरे में है। ऐ ओबीसी के लोगों सुन लो कान खोल के, यहाँ सिर्फ मुस्लिम खतरे में नहीं है, तो यहाँ आप भी खतरे में हो। जो ओबीसी है, एससी है, एनटी है, एससी है, और विजय धार्मिक अल्पसंख्यक, ये सबका जीवन खतरे में है। एक दिन तुम्हें भी वह यार्ड में जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए भी वो बंदोबस्त उन्होंने कर लिया है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, अब हम इनको भेजेंगे। देखिए ये जो है इनका सही मायने में, ये जो हिंदू धर्म कहते हैं, और इनके धर्म ग्रंथ है, इनके धर्म ग्रंथ महिलाओं को कोई अधिकार देना नहीं चाहते। महिला सिर्फ उपभोगने की वस्तु समझने वाले इनके धर्म ग्रंथ है, मनुस्मृति भी कहती है, ऋग्वेद में भी वही लिखा है। अरे जिन महिलाओं का जन्म से नाकार है, ये सिर्फ सोंग ढकोसला है, बेटी बचा बेटी पढ़ा। इनके देखो मोदी जी ने खुद अपनी औरत नहीं संभाला, उन्होंने खुद अपने में बच्चे पैदा नहीं किया, तो वो दूसरों के बच्चे का दुख दर्द क्या जाने, उन्हें क्या समझे बेटी क्या होती है। खुद बेटी पैदा करता तो पता चलता बेटी क्या होती है, बेटी का दर्द क्या होता है, ये तब पता चलता। और इसलिए ये सिर्फ ढकोस ले कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। और मोदी जी जो है वो हिटलर है, और वो हिटलर की तरह जीना चाहता है, और वो ये ना समझे कि जैसे हिटलर ने जुओं को मारा था वैसे वो हमें मारेगा, लेकिन हिटलर भी बच नहीं पाया, ऐसा तड़प तड़प के मरा, उससे भी ज़्यादा तड़प के मोदी जी मरने वाले हैं एक दिन। देखो कि हमारे देश की आवाम है ना, इन्हें वोट के अधिकार के बारे में जागरूकता नहीं है, इन्हें वोट के अधिकार के बारे में जागरूकता नहीं है, और इसलिए ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। नहीं तो अरे हम बहुजन हैं,
अगर हम बहुजन एक साथ आ जाते हैं तो हम अपनी सत्ता यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हमारी सत्ता आएगी तो हमें कोई डराएगा धमकाएगा नहीं। लेकिन हम डर के मारे कभी कांग्रेस के तरफ जाते हैं, कभी बीजेपी के तरफ जाते हैं, कभी सेना के तरफ जाते हैं, कभी राका। अरे हमारा है, हम अपने घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं अपने हमारे समाज में जो समाज की अगुवाई करते हैं बोलते हैं, लेकिन वो समाज की अगुवाई नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप की अगुवाई करते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों से भी हमें जागरूक रहना पड़ेगा और आने वाले समय में इसी तरीके से हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमारी जो लड़ाई है हक अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने भी लड़ा है, हमें भी लड़ना पड़ेगा। और ये बाहर के आए हुए जो है ना, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है, इनको बहुत गुर्मी आ गई है ना। हाँ, तुम्हें मिला होगा जनता, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुमत मिला है, लेकिन अब खिसकते जा रहा है तो इनको मालूम है इनका वोटा प्रतिशत कम हुआ है, तो वो वोटा प्रतिशत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से इधर लाएंगे, उधर बांग्लादेश से लाएंगे, इधर उधर इराक से लाके यहाँ उनको बिठा के नया वोटा प्रतिशत बनाएंगे और फिर से सत्ता में आएंगे। ये जो सपना देख रहे हैं ना, इनका सपना हम पूरा नहीं होने देंगे, इनका सब, क्योंकि हम आवाम है, देश की जनता है, हम देश के नागरिक है। ये कौन होते हैं हमें नागरिकता पूछने वाले? हम हैं देश के नागरिक। क्यों, हमने वोट दिए तब नागरिक नहीं थे? अगर ये बोलते हैं कि एक भी कागज पत्र कम रहेगा तो हम नागरिक नहीं रहेंगे, तो हम भी ये बोलते हैं कि एक कागज पत्र क्या, हम एक भी पुरावा तुम्हें नहीं देने वाले हैं, एक भी पुरावा नहीं देंगे। हम भी कैंपेनिंग करेंगे, हम घर घर में जाएंगे और घर घर में जाके लोगों को बताएंगे कि भैया जो भी ये लोग लाएंगे कागज पत्र, किसी भी कागज पत्र पर साइन नहीं करना है, किसी भी कागज पत्र पर साइन नहीं करना है, क्योंकि ये हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए आए हैं, लेकिन इनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे।